कारवान मैगजीन ने एक रिपोर्ट के हवाले से कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदुरप्पा पर बड़ा आरोप लगाया है। यह रिपोर्ट के मुताबिक येदुरप्पा ने बीजेपी के टॉप नेताओं को 1800 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है। मई 2008 से 2011 के बीच में बीजेपी के टॉप लीडर्स को यह रकम दी गई है। अब इस रिपोर्ट के अनुसार आयकर विभाग के पास एक ऐसी डायरी है जिसमें जजों को 250 करोड़ रुपए दिए जाने का पूरा हिसाब चिट्ठा है और 2009 में इस डायरी में येदुरप्पा ने अपने हाथों से लिखा है कि राजनाथ सिंह को 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं, मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जी को 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जेटली जी को 150 करोड़ रुपए दिए हैं और गडकरी के बेटे की शादी में 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं। येदुरप्पा ने लिखा है कि बीजेपी की सेंट्रल कमेटी को 1000 करोड़ रुपए दिया गया है। दावा यह किया जा रहा है कि यह डायरी येदुरप्पा की है और डायरी के हर पन्ने पर येदुरप्पा के सिग्नेचर हैं, दस्तखत हैं। अब जो सवाल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछे हैं वो हैं, पहला सवाल, क्या ये सारे आरोप सही हैं या नहीं। दूसरा सवाल जो कांग्रेस ने पूछा है कि डायरी की जांच अभी तक क्यों नहीं करवाई गई। तीसरा सवाल, क्या इनकम टैक्स विभाग ने 1800 करोड़ के लेन देन की जांच की इजाजत सरकार से मांगी और मोदी सरकार ने डायरी की जांच करवाने के लिए इनकार कर दिया, इसका भी खुलासा होना चाहिए। चौथा सवाल जो पूछा गया कि क्या नरेंद्र मोदी इसकी जांच करवाएंगे, पैसा कहां गया, किसने लूटा, यह स्टेटमेंट भले ही अमित शाह जी की जुबान से गलत निकला हो लेकिन दिल की बात कभी ना कभी जुबान पर आ जाती है। कि भ्रष्टाचार के लिए अगर स्पर्धा कर ली जाए तो येदुरप्पा सरकार को भ्रष्टाचार में नंबर वन सरकार का अवार्ड। और मैं आपको बता दूं कि चौकीदार येदुरप्पा जी भी जेल जा चुके हैं करप्शन के चार्ज में। और येदुरप्पा मई 2008 से जुलाई 2011 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, ये आपको पता होना चाहिए। वहीं बीजेपी की तरफ से काउंटर किया गया है। वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी अब झूठ और फरेब पर चलेगी, खबरों को प्लांट कराया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनाव में मिलने वाली हार से बौखलाई हुई है। आगे जो भी रिपोर्ट आती है, अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अगर आपको खुद से रिपोर्ट पढ़नी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, जाके खुद से भी पढ़ सकते हैं।